लेट्स सी, आपके मन में जो भी स्पेसिफिक समवन है, क्या उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है? हाँ या ना? लेट्स सी, जो भी आपके मन में एक स्पेसिफिक समवन है, क्या उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है? हाँ या ना? लेट्स सी। द सन टू ऑफ कॉइन्स, द हैंगमैन। अच्छा, मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन की जिंदगी में एक और चीज है, लेकिन इट्स नॉट अ पर्सन। ऐसा लग रहा है कि इनडिसाइसिव है आपका पर्सन आपको चूज करने में और उस चीज को चूज करने में। नाउ वो जो भी चीज है जो आप दोनों के दरम्यान में आ रही है, वो उनका काम हो सकता है जिसको वो मैनेज नहीं कर पा रहे, थर्ड पार्टी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है। लेकिन ये पर्सन आपके साथ खुश है, एक खुशी है जो इसको आपके साथ होते हुए फील होती है। तो जो भी आप दोनों के दरम्यान में बीच में जो चीज़ आ रही है, वो पर्सन भी हो सकता है, उनका काम हो सकता है, फैमिली हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, करियर हो सकता है, करियर गोल्स हो सकते हैं, उनके अपने हेल्थ मैटर्स हो सकते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरम्यान में कुछ आप दोनों को डिवाइड कर रहा है, कोई चीज़ ऐसी है जो आप दोनों को डिवाइड कर रही है। आप दोनों का रिलेशनशिप जो है उसको अनसर्टेनिटी की तरफ लीड कर रही है। लेट्स सी कि क्या है वो चीज़, कोई पर्सन है या क्या चीज़ है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है ये इशू। सेकेंड जस्टिस। ओके, मुझे लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, इसलिए शायद वो आपके साथ उस तरह से इस रिलेशनशिप में नहीं हो पाते हैं जैसे वो होना चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड है और सेवन ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। आप में से मेजोरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो पर्सन है आपका, उसकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन नहीं है। लेकिन चलो एक और कार्ड ले लेते हैं जस्ट टू रिकन्फर्म कि कौन है वो चीज़ जो आप दोनों के दरम्यान में आ रही है। पर्सन है, रिलेशनशिप है, फैमिली है, काम है, व्हाट इज इट? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है जैसे इस चीज की वजह से वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि उनके अपने प्रॉब्लम्स हो और वो चाह रहे हैं कि अभी आपके जो रिलेशनशिप है उसको वो प्रॉब्लम्स इन्फ्लुएंस ना करें, तो वो आपको सेव करने के चक्कर में आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, रिलेशनशिप को डिले कर रहे हैं, जिससे आपके मन में खौफ आता है कि शायद कोई और पर्सन है उसकी लाइफ में। लेकिन एक्चुअली में मदर फिगर हो सकती है, सिस्टर फिगर हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, अगर आप किसी फैमिली फैमिलियन से डील करो, क्योंकि फीमेल है कोई जो इस रिलेशनशिप के रास्ते में आ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी सिचुएशन है इसमें ये फीमेल इनकी लाइफ में बहुत डोमिनेंट हो सकती है, इनकी मदर फिगर हो सकती है, सिस्टर फिगर हो सकती है, और ये चाहते हैं कि जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता, हो सकता है कि कोई बड़ी बहन हो जो कि शादी नहीं हुई है जिसकी, तो उसकी वजह से वो वेट कर रहे हैं कि इसका सिनारियो खत्म हो, तो आपके बारे में वो इस कनेक्शन के बारे में सोचे फ्यूचर को लेकर, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक फेमिनिन एनर्जी है जो कि आप दोनों के दरम्यान में आ रही है। लेकिन इट डजेंट हैव टू बी अनदर पर्सन उसकी लाइफ में, स्पेशली अगर आप लड़की से डील कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये लड़की ऑब्वियसली उसकी कोई सिस्टर हो सकती है बड़ी, या फैमिली मेम्बर हो सकती है कोई जो आपके रिश्ते में रुकावटें डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन अदर देन दैट ऐसा कुछ नहीं है कि उनका किसी के साथ रिलेशनशिप है। आई डोंट पिक अप दैट एनर्जी एट ऑल। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जैसे, क्योंकि वो आपके साथ अगर कोई और पर्सन होता तो आपके साथ खुश नहीं होता, वो आपके साथ खुश हैं, इस रिलेशनशिप में खुश हैं, लेकिन डिलेज हैं आपके कनेक्शन को लेकर, जो कि आपके रिलेशनशिप को थोड़ा स्लो डाउन कर रहे हैं। लेट्स सी, गिवन सर्कमस्टांसेस में आपको क्या करना चाहिए? लेट्स सी, गिवन जो सर्कमस्टांसेस हैं उसमें आपको क्या करना चाहिए? फॉर्म्स, आपको चार्ज देने की जरूरत है इस सिचुएशन में, आपको अपने लिए स्टैंड लेने की जरूरत है, आपको पर्सन से बात करने की जरूरत है कि दे हैव टू टॉक टू यू अबाउट इट, ओपनली एंड ऑनेस्टली। जो भी रीजन है उनको आपसे शेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं चल सकता कि वो आपसे कुछ कहे बगैर इस रिलेशनशिप को डिले करें, कनेक्शन को डिले करें। आपको उनसे बात करने की जरूरत है, ओपनली एंड ऑनेस्टली आपको उनसे डिस्कस करना है इस रिलेशनशिप को लेकर। इसका जो भी सोल्यूशन है वो आपको मिलकर ढूंढना है, और ये बात आपको आपके पर्सन से करनी चाहिए ओपनली एंड ऑनेस्टली। आपको एक और चीज करने की जरूरत है कि गिवन सर्कमस्टांसेस में सेल्फ अश्योरेंस, वो बहुत जरूरी है राइट नाउ आपके लिए, कि आपका पर्सन आपका ही है, आपका कनेक्शन सॉलिड है, आपका कनेक्शन आपको कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है अपने रिलेशनशिप में। एक तो बात करने की जरूरत है, दूसरा आपको पर्सन से कन्फ्रंट करके सिचुएशन को आपको कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है कि आपके मन में जो डाउट है, जो फियर है, वैसा कुछ नहीं है।
सो ये एक एटीट्यूड जो है वो बहुत ज़रूरी है राइट नाउ, अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप स्मूथली आगे जा सके, तो एक वो चीज़ डेफिनेटली दिख रही है। और क्या करने की ज़रूरत है आपको इस करंट सिचुएशन में, क्या करना चाहिए आपको करंट सिचुएशन में? एक और शफल देंगे वरना फिर हम दूसरे और एक लिख पे बढ़ेंगे। ओके आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि करंटली जो आपकी करंट सिचुएशन है पर्सन के साथ, जहाँ पर आपको ये डाउट होता है कि उसकी लाइफ में कोई और है, या फिर आपको या तो एक चेंज जो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है आपके पर्सन के साथ, जिसके वजह से आपको डाउट हो रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और हो सकता है, मुझे लगता है कि ये जो चेंज का जो फियर है कि शायद वो बदल रहे हैं, या आपके रिलेशनशिप में से उनका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, या एक आपको फियर हो रहा है कि वो इतने मोटिवेटेड नहीं रहे आपको लेकर, आपको इन सारे चेंजेस को जो आपके अंदर आए हैं उसको ख़त्म करना है, जो डर है उसको ख़त्म करना है। क्योंकि ये डर जो है आपका, इसकी वजह से आपके मन में ये फियर्स आ रहे हैं कि शायद उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है। तो जब तक आप अपने डर नहीं निकालोगे, आप रिलेशनशिप में उस तरह से नहीं खुश रह सकोगे जैसा कि होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका खौफ, आपका डर, आपकी फियर्स स्ट्रेंथन अप करेंगे, उतना ज़्यादा आपका रिलेशनशिप जो है वो सफ़र करेगा। सो टू मेक थिंग्स वर्क आपके फेवर में, इस रिलेशनशिप के फेवर में, आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, कॉन्फिडेंट रखना है, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि और क्या करने की ज़रूरत है आपको गिवन सर्कमस्टांसेस में? प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आप में से कुछ लोग टॉरस हो सकते हो या टॉरस को डील कर रहे हो सकते हो। आपको अगेन फेथ रखना है, बिलीव रखना है कि जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आप डिज़ायर कर रहे हो इस इंसान के साथ, उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी आपके पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप में। जब तक ये फेथ नहीं होगा, जब तक ये बिलीव नहीं होगा, आप स्ट्रगल करोगे कनेक्शन में हैप्पी रहने के लेकर, तो ये बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी लास्ट फ्यू कार्ड्स और एक डेक में से ही, लेट्स सी कि आपको क्या सोचने की, क्या करने की ज़रूरत है टू ओवरकम ये जो चैलेंजेस हैं, डिफ़िकल्टीज हैं, लेट्स सी क्या करने की ज़रूरत है आपको टू ओवरकम दीज चैलेंजेस और पॉजिटिव सोचने के लिए। आई एम एक्सपेंडिंग बियॉन्ड लिमिटेशंस इनटू जॉय एंड फ्रीडम, ब्रेकिंग बैरियर्स। पहली चीज़, आपके मेंटल बैरियर्स जो आपने क्रिएट कर लिए हैं करंट सिचुएशन को लेकर कि हाँ ये नहीं हो सकता है, या ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, पर्सन जैसा पर्सन के साथ जैसा आप चाहते हो वो नहीं पॉसिबल हो पाता है या हो रहा, इन बैरियर्स को आपने अपने माइंड में जो लिमिटेशंस बना ली हैं इस सिचुएशन को रखते हुए माइंड में, उसको तोड़ना है, या एक पैटर्न जो बना लिया है उसको तोड़ना है। कहीं ना कहीं आप तभी अपनी लाइफ में जॉय और फ्रीडम और हैप्पीनेस की तरफ जा सकोगे इस कनेक्शन को लेकर, जो कि शायद आपको लग रहा है कि रिस्ट्रिक्शंस के जैसे कुछ हो गया है रिलेशनशिप में। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपके पर्सन अपनी फैमिली की बात सुन रहे हैं, आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड नहीं फील करना है इन एनी पॉसिबल वे। इसलिए आपने ये एफर्मेशन यूज करनी है, आई एम एक्सपेंडिंग बियॉन्ड लिमिटेशंस इनटू जॉय एंड फ्रीडम। तो जब आप अपने बैरियर्स को तोड़ोगे, लिमिटेशंस को तोड़ोगे, तो ऑटोमेटिकली जॉय और हैप्पीनेस आएगा। कभी कभी होता है ना कि आपको अगर कोई कहे कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है, ये थॉट इट्सेल्फ आपको काफी ज्यादा शेकअप कर देगी। लेकिन व्हाट इफ के ब्लॉक नहीं किया, एक फियर ही काफी है, आपका दिल जो है वो ऐसे हो जाएगा जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर किसी ने रख दिया आपके दिल के ऊपर, या बहुत ज्यादा वेट आ गया आपके दिल के ऊपर। तो ये वही चीज है कि जब आप नेगेटिव सोचोगे तो आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लोगे, इवन तो कि कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन आपके सोचने से ही आपके मन में आपके फियर्स, आपकी नेगेटिविटी आना शुरू होगी, एक ऐसा पैटर्न बिल्ड होगा जिससे आप नेगेटिविटी अट्रैक्ट करोगे। यही अगर पॉजिटिव सोचोगे, अभी कुछ हुआ नहीं है, कुछ बुरा नहीं हुआ, सिर्फ आपको लग रहा है कि ऐसे कुछ हो सकता है, वो भी इसलिए लग रहा है क्योंकि यू आर लूजिंग योर कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। तो जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो आपके लिए ये जो नेगेटिविटी है आप इससे ब्रेक फ्री कर जाओगे, और जब ब्रेक फ्री करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में जॉय, हैप्पीनेस, फ्रीडम, और आपको ये लगेगा कि हाँ सब कुछ आपके कंट्रोल में ही है, सब कुछ आपके हाथ में ही है। सो कहीं ना कहीं आपको, यू हैव टू टेक चार्ज, आपको बिलीव रखना है कि यू आर द वन जो कि जिसके हाथ में सब कुछ कंट्रोल है,
पर्सन के साथ कमिटमेंट लेना के पॉइंट ऑफ व्यू से, फैमिली को मनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल. ऐसा नहीं सोचना आपने कि आपको फियर होने लगे या आपको डाउट होने लगे या आपको नेगेटिविटी आने लगे या आपको एक वेट फील होना शुरू हो इस कनेक्शन को लेकर, एक बर्डन सी फीलिंग रहे आपको कि वट इफ के कनेक्शन अच्छा नहीं जाए आगे. सो डिवाइन आपको बार बार एक मैसेज दे रहा है कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. आपको बिलीव रखना कि आगे प्रॉस्पेरिटी ही है आपके रिलेशनशिप में. तो जो भी चीज़ आप दोनों के दरमियान में आ रही है, चाहे वो फैमिली है, कोई भी सिचुएशन है, उसमें आपने खुद को कॉन्फिडेंस में ही रखना है, तो ही आपको जो आप डिजायर करते हैं एज एन आउटकम वो आपको मिल सकेगा. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक जरूर किया करो, वीडियो को शेयर भी किया करो ताकि ज्यादा लोगों को रीच आउट कर सके. सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय.